शोक सभा में शामिल होकर घर लौट रहे एक व्यक्ति को अज्ञात लोगों ने किडनैप कर लिया, जिसकी शिकायत परिजनों ने एरोरम थाने में की है। पुलिस घटना की सच्चाई का पता लगाने में जुट गई है। दरअसल नॉर्थ कमाठीपुरा का रहने वाला 48 वर्षीय राकेश नरवाड़े धर्मराज कॉलोनी में परिचित के यहाँ शोक सभा में गया था। अपने वाहन से घर लौटते समय कुछ व्यक्ति उसे गाड़ी में जबरदस्ती ले गए। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को की है। राकेश पर मारपीट और धोखाधड़ी के 3 प्रकरण पहले से ही दर्ज है। घटना में कितनी सच्चाई है इसकी जांच की जा रही है। दरअसल ये प्रकरण थाना एरोड्रम में पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि एक 48 वर्षीय व्यक्ति जो कि थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत नॉर्थ कमाठीपुरा का रहने वाला है, उसके अपहरण की शिकायत उसके परिजनों द्वारा थाना एरोड्रम पर दी गई है। शिकायत के अनुसार उक्त व्यक्ति राकेश नरवाड़े, जिसका नाम है, वह लगभग शाम को 6:30 बजे के आसपास धर्मराज कॉलोनी में अपने एक परिचित के यहाँ एक शोक समारोह में गया हुआ था, और उसी दौरान जब वह अपने वाहन से वापस अपने घर आने के लिए निकलने वाला था, तभी उसे एक वाहन में सवार कुछ व्यक्तियों के द्वारा जबरन गाड़ी में ले जाया जाना बताया गया है। प्राइमा फेसी मामला अपहरण का पाए जाने से पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपहरण का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। प्रकरण अभी अनुसंधान में है। क्या सच्चाइयां हैं इसमें और क्या फैक्ट हैं, ये अभी जांच में।